नमस्कार, मैं हूं धीरेंद्र राय अखबार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम गरौठा विधानसभा के गरौठा कस्बे में ही मौजूद हैं। हम यहां के लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में है। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग, विभिन्न दलों के लोग मौजूद हैं। सभी लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चाचा जी की ओर चलते हैं। क्या नाम क्या है चाचा? चलिए आगे की ओर, चाचा जी नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम किसी और से बात कर लेते हैं। सबसे पहले भैया क्या नाम है? गोविंद नारायण जी। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जो विकास के दावे किए थे वो कितने पूर्ण हुए? भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। विकास का पूरा चहुमुखी घुमा है, हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे विद्युत का हो, चाहे आपका सड़क का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है। और कानून व्यवस्था पर तो ज़बरदस्त एक बार किया ही है कि गुंडा राज का पूर्णतः खात्मा हुआ है और एक सुचारू रूप से संवैधानिक तौर पर जो कानून व्यवस्था चलती है, न्यायप्रिय सरकार की होनी चाहिए, उस पर 100% खरी उतरी है। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले दादाजी नाम क्या है? भारत सिंह जी। क्या कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं, कितने पूर्ण हुए हैं? एक पूर्ण है भारतीय जनता पार्टी। और योगी जी और मोदी जी सरासर झूठ बोलते हैं, झूठ की अधिकतर बाधा करते हैं। जो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, 15 लाख खाते में कई दिनों बे नहीं आए और ना किसानों की तरफ कोई हिरा। अभी जो बेट उन्होंने बजट पेश किया अपना, इसमें भी किसानों भाइयों के लिए कुछ नहीं हुआ। और सबसे अधिक परेशानियाँ हम किसान आदमियों का ज़्यादा हैं, ढोर उनके छुट्टा हैं, उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के इशारे से। तो हमारे अनुसार से, अनुभव से, ये बीजेपी की सरकार बिल्कुल गलत है। अच्छा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि ये गुंडई, इस पर क्या कहेंगे? गुंडई कुछ नहीं, इनके योगी जी की, वो अखिलेश सिंह की सरकार में इतना अंतर है कि उनके में 10 मुकदमा होते तो इनके में 25 मुकदमा हुए। और बलात्कार जैसे और तमाम संगीन धाराएं मुकदमा, और अधिकतर जातवादी का ज़्यादा नारा लगाओ जी लोग, मंदिर और मस्जिद की भी का है कहीं कुछ नहीं। चलिए भैया, 15 लाख खाते में आएंगे, क्या वो कहेंगे? नहीं, 15 लाख ये कुछ नहीं, ऐसे ना ये किसी ने कहा। ये तो जो है समाजवादी पार्टी के जो एक तथाकथित रचा हुआ प्रोपोगंडा है, ये कुछ नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप वास्तविक मुद्दा देखें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है 5 साल, पूर्णतः गुंडागर्दी का सफाया हुआ है। जो कुछ बच गए हैं, जो दबे हैं कहीं, अभी थोड़ी बहुत खुटपुट कर रहे हैं इधर उधर से, उनका भी खात्मा 10 मार्च के बाद होगा। और आम जनमानस में जो विकास की लहर गई है, इसी के अनुसार ये दुगनी गति से जो है दोबारा से होगा। आप ये देखिए, अभी इन्होंने अन्ना जानवर का मुद्दा उठाया, अगर कायदे से गणना कर ली जाए नगर में या गाँव तो जो अन्ना जानवर छुट्टा है उसमें 90% तो समाजवादी पार्टी के गुंडों के अन्ना जानवर हैं, ठीक। और सुरक्षा के मामले में तो आप ये देखें कि जिसका जहां प्लाट डला था आज डला है, किसी ने ईंट रखने की कोशिश नहीं की। नहीं, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकारों में अगर आपने प्लाट खरीद के डाल दिया, उसकी बाउंड्री नहीं बनाई, गेट नहीं लगाया, तो दूसरे दिन वहां समाजवादी पार्टी का वोट लगा मिला। ये अंतर है योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में। चलिए हम और लोगों से बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाली एक नव युक्ति मौजूद है और युवाओं से हमेशा अलग जगती है, क्या नाम है आपका? संध्या जी। क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी, जो भी भैया ने कहा है कि गुंडा राज बंद है, क्या हर तरह में जो भी लड़की का रेप हुआ था डायरेक्टली उसे जलाया गया था, ये क्या गुंडागर्दी नहीं है? बताइए, मैं पूछना चाहूँगी, क्या गुंडागर्दी नहीं है? लड़कियों को दिन दहाड़े छेड़ा जा रहा है, क्या गुंडागर्दी नहीं है? या अभी होता नहीं है गुंडागर्दी? वही लोग करते हैं, इनमें से कोई लोग करते होंगे, इसमें से कोई लोग करते होंगे, गुंडागर्दी दोनों तरफ से होती थी, वही गुंडागर्दी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। समाजवादी पार्टी में कोई गुंडागर्दी नहीं होती थी, मैं ये खुद कह सकती हूँ, और हम सब लोग मिलकर ही गुंडागर्दी करते हैं तभी होती है, वो भी बंद कर चुके हैं। इस बार मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भाई अखिलेश भैया ने सीधा कहा कि कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, तो क्या मानेंगी पहले होती थी? हाँ, पहले कैसे होती थी? वो करते थे, हम करते थे, तब होती थी, कैसे होती थी बताओ ना? उनके भी लोग करते थे, मेरे भी लोग करते, जब होती थी कैसे गुंडागर्दी? हाँ बिल्कुल बंद हो गई, नहीं होगी अब, ये भी बात है कि नहीं। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? मैं ये कहना चाहता हूँ भैया से, ना जे बताएं आप नाम क्या है? भज्जू यादव जी, ठीक। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लखीमपुर खेरी में टैनी महाराज कोई वो अच्छे संत थे जो वहाँ पर क्या अच्छा कार्य किया था इन्होंने, जो किसानों के ऊपर, निहत्ते किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, वो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था?
गोली भी चलाई थी उसके लड़के ने। अब कहते क्या है ये लोग, क्या वो जेल में तो चला गया, और टैनी महाराज क्यों नहीं गए जेल में? जे गुंडागिरी नहीं दिखती है भाइयों को? नहीं जे मतलब जे इनको इनको गुंडागिरी है। कुछ लोगों से और बात कर लेते, हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, हम युवाओं से बात कर लेते। भैया क्या नाम है? संदीप यादव जी। क्या कहेंगे इस बार जो सरकार ने 5 साल में दावे किए थे वो पूर्ण हुए? कुछ पूर्ण नहीं हुआ। अभी भैया जो बोल रहे थे गुंडागर्दी की, अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को नॉमिनेशन नहीं करने दिया और वो चीरहरण करवाया। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये गुंडागर्दी सरासर गुंडागर्दी। और ये भैया जो बोल रहा है अभी समाजवादी पार्टी के लोगों के जो जानवर घूम रहे, तो ये लोग क्या ये लोग किसानों में नहीं आते क्या? हम इस तरफ की ओर चलते हैं और लोगों से और भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? विवेक कुमार जी। क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी होती थी तो सब लोग करते थे। नहीं नहीं, इसमें कोई गुंडागर्दी नहीं हुई और समाजवादी पार्टी में बहुत कुल मिला के यादव वर्गों का बिल्कुल टोटल गुंडागिरी का राज्य रहा बिल्कुल। और जौन सी नदी पे देख लो, झुग्गी बनी मिली, बालू को खनन किया, हर चीज किया। इस सरकार में कहीं से कोई बालू का खनन नहीं हुआ और सबको समानता से विकास हो रहा है, कोई को जातिगत प्रयोग से कुछ हो भी नहीं रहा। गरोठा में कोई विकास हुआ है बताइए? गरोठा में क्या विकास नहीं हुआ, जहाँ देखो जहाँ विकास हुआ है। अभी अभी 2 महीने बाद देखो, इसका चुनाव के बाद इसका नगर का सौंदीकरण होना है, जो माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत ने 2 करोड़ रुपए से उद्घाटन नारियल रख दिया, न्यू भी रख दी है। और अभी मोती कटरा वाला सड़क का बिल्कुल मोती कटरा सड़क बिल्कुल लागू हो गई है, बिल्कुल पिलर गड़ने लगे हैं दोनों साइड। कितना किसका ऐसा किसानों का मुद्दा आना है आपको दिखा दें कि ये पूरा सड़क का पूरा जितने किसानों का जो भी आना है, मोती कटरा का काम सुचारू रूप से संपूर्ण कार्य पूरा चालू हो चुका है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लोगों से बात करें। क्या नाम है? प्रमोद गुप्ता जी। क्या कहेंगे? अरे इस सरकार की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक तरफ शास्त्र की मानो या शस्त्र की मानो, बुलडोजर धरा है जितने भी समाजवादियों ने, जितने भी समाजवादी लोगों ने कब्जे कर रखे थे, जमीन पे मिला दिए गए और ऐसे ही मिलते रहेंगे। केवल योगी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सुशासन चलाता है। अखिलेश में सुशासन चलाने की क्षमता नहीं है, केवल गुंडागिरी के दम पर ही ये आगे बढ़ते हैं। इनके पास आज सबसे ज्यादा देखें तो JCB मिले चाहे LNT मिले, केवल समाजवादियों के पास है। बाकी जे किसान है तो LNT आ गई, और अन्य बरादरी के भी लोग थे तब के सबके पास आती तब जानते। इनके शासन में केवल एक वर्ग का फायदा हुआ है, एक जाति का फायदा हुआ है और किसी का ना हुआ है, ना मुसलमान का हुआ, ना दलित का हुआ, ना सामान्य का हुआ, किसी का भला नहीं हुआ। आज योगी ने दिखाया कि सत्ता क्या होती है। जितनी ईमानदारी से इस समय सिलेक्शन हो रहे हैं, कोई एक पैसा बता दे जितने भी सिलेक्शन, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे अध्यापकों की भर्ती हो, यदि किसी का इस सरकार में सिलेक्शन हुआ हो, वो कह दे कि हमने 10 लाख दिए हम मान जाएंगे। हम गारंटी ले रहे हैं कि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, एक पैसा नहीं लिया, फ्री में सिलेक्शन हुआ। भैया क्या कहेंगे भैया, बात कर लेते हैं सबसे पहले। एक मिनट भैया, मौका तो सबको मौका देंगे। दीप सिंह है जी। मैं BJP वालों से, सपा वालों से इतना पूछना चाहता हूँ कि BJP ने जो अभी जवाहर राजपूत जी ने स्टेडियम 5.5 करोड़ का जो वहाँ बनवाया गौठा मोठ क्षेत्र में, क्या गौसा गौठा क्षेत्र में नहीं बन सकता था? भैया मौका दे, सबको मौका देंगे सबको भैया, मौका सबको देंगे। रुको रुको, पीछे हो आप, मौका देंगे सबको देंगे। आदरणीय सर आनंद प्रकाश नाम हम, जो आदरणीय सर जी ने कहा अवैध खनन हो, जे अभी 6 महीना चुनाव आचार संहिता लगने के बाद गरौठा धसान नदी पे अवैध खनन हो रहा था, गरौठा पुलिस ने LNT JCB ट्रैक्टर सारे जब्त किए, इस शासन में अवैध खनन हो रहा है, बराबर हो रहा है। मोती कटरा घाट, खरवाच घाट, एरच घाट, सारे घाट चल रहे हैं। जी झूठा ब्लेम किसी पर ना लगाएं। जो गरौठा पुलिस ने कार्रवाई करी। सुनो, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, किसान के ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही, इसलिए एक मिनट भैया, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन तो कहो। नाम क्या है? संजीव निरंजन, नेहा संजीव निरंजन जी। क्या कहेंगे इस बार भाजपा सरकार ने जो काम के दावे किए थे वो कितने पूर्ण हुए? देखो भाजपा को क्यों आड़े ले रहे, भाजपा अपना काम कर रही, जनता देख रही, महंगाई भाजपा ने बढ़ाई, जनता देख रही। महंगाई 200 रुपया किलो मीठा तेल किया, 450 से 1000 सिलेंडर किया, ये जनता देख रही है, कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले भी कहेंगे कि ये हकीकत है। और हम आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि अगर कांग्रेस नरेगा नहीं चलाती तो आज चूल्हे ना बढ़ते इस महंगाई में। वो महंगाई का काट अकेला नरेगा है, नरेगा से गरीब लोग बाग पल रहे, उस माध्यम से आज जीवन यापन कर रहे। लेकिन मोदी जी कह रहे थे 22 में हम दुगनी आय किसानों के करेंगे। भाई साहब, किसान भाई सब लोग हैं, दुगनी हुई कि दुगनी आधी कम हुई, क्योंकि लागत इतनी घटी, इतनी लागत आ गई कि किसान अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा। अपना खून पसीना का पैसा बचत करके अपनी रोटी रोजी कर रहा है, अपना खाना खा रहा है। और साथ में किसानों की आफत देखिए, यूरिया DAP में किसान भूखों मर गया, सुबह से लेन में लगा, शाम तक पता चला नहीं मिली। ये क्या ये सपा की गलती है, कांग्रेस की, क्या BJP की, हम आप लोगों से पूछ रहे। ठीक है, क्या कहेंगे? यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ी। हाँ, लाइन बिल्कुल लगानी पड़ी। और भैया जो अभी बात कह रहे थे खनन के लिए कि समाजवादी सरकार में सबसे ज्यादा खनन होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर समाजवादी में खनन होता था तो गरीब से गरीब लोग अपना मकान बनवा लेते थे। इस सरकार में आज कोई अगर ट्राली की बात करे तो 4000 से 7000 रुपए तक की ट्राली है। समाजवादी सरकार में वही ट्राली का रेट 600 रुपए से 700 रुपए रहता था, 600 से 700 रुपए रहता था। और जो हमारे विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत और उनके एक PA हैं उनके साथ वाले, अब हम उनका नाम नहीं खोलना चाहते हैं, वो कह रहे थे कि हम गरौठा नगर को पानी से पूर्ण करवाएंगे, 31 दिसंबर तक पानी की समस्या दूर हो जाएगी, नहीं तो हम अपने पूरी जमीन नाम कर देंगे। कहां गए वो ठेकेदार थे, उनका नाम नहीं लेना चाहते हम। लेकिन गरौठा की जनता ने भी इस बार मन बनाया है, जवाहरलाल राजपूत को 30,000 वोटों से हराएंगे, और अगर इस बार चुनाव नहीं हारेंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ठीक है, एक मिनट आगे की ओर बढ़ते हैं भैया। पानी के मुद्दे को लेकर बताओ। पानी का मुद्दा कौन सा पानी, पेयजल वाला के नहर वाला? अब उत्तर शांतिप्रिय तरीका से उत्तर दे दे। पेयजल के संबंध में माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा जो पैसा सैंक्शन कराया गया उसमें बराबर काम चल रहा है। इसके पहले इस साल ज़्यादा दिक्कत हुई नगर में पेयजल की, इसके पहले ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। 31 जनवरी तक पूर्ण की बात कही इन्होंने, क्या 31 दिसंबर नहीं, कौन कारण बस जो है नहीं हो पाओ। लेकिन आपके पूर्व विधायक द्वारा जब आपके पूर्व विधायक 10 साल विधायक रहे, जब तो आपने कुछ कराया नहीं, जब आपकी सरकार चली गई, आप विधायक मिट गए, उसके बाद एक तथाकथित रूप से प्रोपोगंडा रचने के लिए आपने सरकारी भूमि में बोर करवाने की कोशिश की, जिसे प्रशासन ने रोका, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग खनन की बात कर रहे हैं, कि खनन सस्ता मिलता था, उससे मकान बनते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गरीब को जो है 2.5 लाख रुपए आवास के दिए जा रहे हैं, उनके मकान बन रहे हैं। आगे की तरफ, आगे आओ, आगे चलो, लोगों से भैया नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। भाई साहब कह रहे हैं, एक मिनट पीछे, नारेबाजी में क्या गुंडाई नहीं है? नारेबाजी से काम नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम मौका दे रहे हैं सबको, मौका दे रहे हैं सबको मौका देंगे। भाई साहब कह रहे, भाई साहब बोल रहे कि आवास मिले 2.5 लाख वाला, उसमें ना तो बिजली है ना पानी है। लोहिया आवास मिला था उसमें फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा दी थी माननीय अखिलेश यादव जी ने। और व्यवस्था खराब कर रहे हैं आप लोग, व्यवस्था खराब कर रहे हैं, व्यवस्था खराब हो जाएगी, व्यवस्था खराब करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। एक मिनट, देख लिया इसी को, गुंडियाई देख लिया, हम लोग बोले तो गुंडियाई नहीं हो गई, कोई गुंडियाई नहीं थी। आप लोग देख लिया, कोई लड़की बोल रही थी जब ये लोग हल्ला कर रहे थे, अभी गुंडियाई नहीं थी, गुंडियाई की समस्या को नहीं समझ सकते लोग, क्या करेंगे? सीधा सीधा सरासर झूठ है लोगों का। हम लोगों के लिए लैपटॉप कहां था? लोगों ने लैपटॉप बांटे, बोलिए बताइए, सभी लोग बोलेंगे बात नहीं हो पाएगी। भैया एक क्वेश्चन, आप लोग मौका ही नहीं दे रहे।
बातचीत की। आपको बता दें कि गरोटा में बातचीत की जहां लोगों ने तमाम अपने अपनी बात रखी। धीरेन्द्र राय के बाद न्यूज 30 एक्सप्रेस झांसी। है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत।